आपके अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और अनपढ़ प्रधानमंत्री बताकर तीखे हमले किए हैं। केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने पूरे देश में मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन की शुरुआत कर दी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों हमलावर हो गए हैं। 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की कायावाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर एक नए दिन के साथ मुखर होते जा रहे अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने खुद को एक चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है और मोदी सरकार के खिलाफ के बाद एक अभियान का आगाज कर रही है। कांग्रेस का कमजोर होना आपके लिए मौका। 10 साल में क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय ऊर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी के सियासी उदय का सबसे बड़ा कारण देश की मुख्य विपक्षी दल और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का कमजोर होना है। दिल्ली और पंजाब वह राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई है। मोदी पर निशाना चुनावी राज्यों पर निगाहें। गुजरात में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें उन राज्यों पर टिक गई है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। यह वह राज्य है जहां पर अब तक भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता आया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन तैयार करने के साथ कुछ विधानसभा सीटों पर उलटफेर करने के सुनहरे मौके के रूप में देख रही है।